What is up guys, this is Dipanshu back again with a new video. So guys, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अरे भाई PS3 को कैसे बाय कर सकते हो सिर्फ 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये के बीच में। एंड यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपका क्या ही रिस्पॉन्स आया लास्ट PSP और PS2 के वीडियो पे। एंड आपके मुझे पर्सनली काफ़ी सारे मैसेज भी आए कि हमने सक्सेसफुली एक PSP और PS2 को बाय कर लिया, और काफ़ी सारे लोगों के ये भी मैसेज आए कि हमें यार PS3 बाय करना है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए कि आप कैसे PS3 को बाय कर सकते हो ऑनलाइन, वो भी कम से कम प्राइस में। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ न्यू ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, तो यार ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। एंड यार शॉप्स ओपन हो चुकी हैं, उन पे मैं वीडियोस बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। प्लेस्टेशन एक्सबॉक्स सारी रिलेटेड वीडियोस बहुत ही जल्दी आने वाली है चैनल पे, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार बिगर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार आपको सिंपली OLX ओपन करना है एंड टाइप करना है प्लेस्टेशन 3 या फिर PS3 एंड अपनी लोकेशन ऐड करनी है। उसके बाद आपको सर्च करना है एंड सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे डिफरेंट रिजल्ट शो होंगे PS3 के डिफरेंट बजट्स में। अब आपको अपना बजट सेलेक्ट करना है 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये के बीच में, हमें 5000 रुपये से नीचे नहीं रखना है यार, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड मिलेंगे या फिर वो PS3 मिलेंगे जिसके अंदर की एसेसरीज गायब होगी। तो हमें 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये ही सेलेक्ट करना है। एंड यार अगर आपको कोई PS3 पसंद आ गया हो तो यार उनसे डायरेक्टली जाके चैट कर सकते हो आप उनसे यार थॉरली यार अच्छे से उनसे पूछ लेना एक एक पॉइंट, आप कोई भी डाउट है यार पूछ लेना, क्योंकि यार एक PS3 यार 6 से 7 या फिर 8000 रुपये का मोस्टली आता है, तो यार वो कोई छोटी रकम नहीं होती है, क्योंकि PS2 और PSP तो 1000 या 2000 रुपये के आसपास आ जाता है, लेकिन एक PS3 यार महंगा आता है। तो आपको उनसे जितने भी आपके डाउट है यार आपको सारे क्लियर करने हैं। एंड यार जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि PS3 एक अच्छी कंडीशन में है, तभी आपको उनसे बात करनी है पेमेंट से रिलेटेड कि वो कैश ऑन डिलीवरी के बाद पेमेंट लेगा या फिर एडवांस में लेगा। यार वैसे तो एडवांस प्रेफर मत करना, लेकिन अगर आपके घर के आसपास ही रहता है तो यार आप डायरेक्ट जाके ले लेना, तभी आप उनसे एडवांस पेमेंट की बात करना। अगर वो आपके घर से दूर रहता है तो यार आप डिलीवरी के टाइम ही पेमेंट की बात करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड इसी टाइम होते हैं। तो यार कोशिश करना कि यार आप अपने घर के आसपास ही ले, ताकि आप वॉक इन जाके ही वहाँ से PSP कलेक्ट कर सकें और उसे पेमेंट डायरेक्टली कर सकें यार, क्योंकि अगर आप अपने घर से दूर लेंगे तो यार वो आपको पेमेंट एडवांस करने के लिए बोलेगा, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, तो आप यार वॉक इन ही जाकर लेना, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे तो यार मैंने बहुत सारे PS3 नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं डिफरेंट स्टेट और सिटीज़ के, अगर आपकी स्टेट या फिर सिटी नहीं है तो यार वेरी सॉरी, बस आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है एंड सर्च करना है OLX पे, आपको आराम से PS3 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में, वैसे आपको सारी स्टेट मिल जाएंगी आराम से, तो आप वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। यार हाँ वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी है आई नो, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोज आने वाली है PlayStation Xbox गेम से रिलेटेड, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाले 3 से 4 दिन बाद वीडियोज आनी स्टार्ट हो जाएंगी PlayStation से रिलेटेड। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आने वाले PlayStation से रिलेटेड आपको कोई भी कुछ पूछना है या फिर मैं शॉप से जाके पूछ सकूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उनसे आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो ज़रूर पूछूंगा। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन पीस आउट।